एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी जो भी कूलम्स लॉ में हमने फोर्स का एक्सप्रेशन पढ़ा था। कूलम्स लॉ में हमने सिर्फ इतना अभी तक देखा है कि जैसे दो चार्जेस हमने जो अभी तक पढ़ रखा है, सिर्फ इतना पढ़ रखा है कि एक चार्ज हो गया आपका क्यू वन, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर हमने दूसरा चार्ज ले लिया एंड लेट अस सपोज दिस वन इज क्यू टू, दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं। उस केस में हमें पता था कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है ये म्यूचुअल होता है, यानी कि क्यू वन क्यू टू पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही क्यू टू क्यू वन पर फोर्स लगाएगा। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने कितना मान रखा है, आर। और जो इसका एक्सप्रेशन निकल के आया था वो एक्सप्रेशन था एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के को यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करते थे तो के इक्वल्स टू हो जाता था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो भी फोर्स का एक्सप्रेशन निकल के आता था, जो फोर्स का एक्सप्रेशन निकल के उस समय आता था जब दोनों के दोनों चार्जेस आपके एयर या फिर फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, तो ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब चार्जेस आपके एयर या फिर फ्री स्पेस में रखे होंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एयर या फिर फ्री स्पेस, बट अभी हम लोग ये स्टडी करने जा रहे हैं कि क्या होगा अगर चार्ज को हम किसी मीडियम में रख दें। किसी मीडियम कहने का मतलब कोई मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपका कोई गैस हो सकता है कि वाटर के अंदर इस पूरे सिस्टम को हम ले जा कर रख दें, वहाँ पे दोनों चार्जेस पे जो आपस में फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स पे क्या असर पड़ने वाला है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज होगा या फोर्स डिक्रीज होगा, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इसी को शुरुआत करते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम, फोर्स मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करता है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक मीडियम ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो हमने मान लिया कि एक कोई मीडियम है, ये मीडियम क्या चीज़ का है हमें नहीं पता, हमने सिंपल सा मान लिया कि ये कोई मीडियम है और इस मीडियम में ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ जो चार्ज था क्यू वन क्यू टू का वो रखा हुआ है। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज आपका हो गया क्यू वन, इससे उतनी ही डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे हमने मान लिया दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ये हो गया Q2। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने उतनी मान रखी है जितना पहले था, आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, ये प्लस Q1 ये प्लस Q2। हमें पता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा जहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट हो रहा है, लेकिन हमें ये जानना है कि क्या मीडियम की वजह से नेट फोर्स पे कोई असर पड़ेगा, क्या मीडियम की वजह से दोनों के बीच में फोर्स इंक्रीज होगा या फिर फोर्स डिक्रीज होगा। तो पहली बात तो ये कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अभी भी उतना ही लगने वाला है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में फोर्स की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे फोर्स जितना पहले लग रहा था वो तो फिलहाल अभी लगेगा ही लगेगा, यानी कि एफ इधर और एफ इधर, ये तो फोर्स हो गया, यानी फोर्स एग्जर्टेड बाई वन चार्ज ऑन अनदर, ये एफ। दूसरी बात ये कि अगर हमने मीडियम यहाँ पर इन्वॉल्व कर रखा है तो मीडियम का यहाँ पर असर क्या पड़ने वाला है, तो चलिए इसको समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या किया, हम यहाँ पे मीडियम का एक छोटा सा सेक्शन अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल के लिए, हालांकि पूरा का पूरा ये मीडियम ही है जिसमें दोनों के दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। ऐसे ही सिमेट्रिकली हमने यहाँ भी एक सेक्शन मीडियम का अज्यूम कर लिया। अब ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यानी क्यू वन भी अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्यू टू भी अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जाहिर सी बात है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर कोई इंसुलेटर आता है, कोई कंडक्टर आता है या फिर कोई भी एटम आता है तो वहाँ पर चार्ज का इंडक्शन होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें एटम की या फिर इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर की बात करें तो वहाँ पे जो मीडियम होता है उसमें पोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो मीडियम का हिस्सा हमने ये ले रखा है, सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, इतने से ही समझ में आ जाएगा पूरी कहानी क्या होने वाली है। तो अब बोलेंगे इनमें क्या होगा कि जो भी डाइपोल्स हैं इनमें, उन डाइपोल्स के बीच वो जो डाइपोल्स होंगे वो पोलराइज, एटम जो होंगे वो पोलराइज होने शुरू हो जाएंगे, सॉरी डाइपोल्स नहीं, इसमें जो एटम्स रहे होंगे वो पोलराइज होने शुरू हो जाएंगे। तो पोलराइज कैसे होंगे, अभी हम फिलहाल Q1 की सिर्फ बात कर रहे हैं, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि आपका Q2 यहाँ पे है भी, तो आप बोलोगे यहाँ पे डाइपोल्स बनने शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। ये हमने दिखा रखा है, कुछ डाइपोल्स को दिखा रखा है, बहुत ज़्यादा डाइपोल्स आपको नहीं दिखाना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ। अब जो भी डाइपोल्स बनेंगे, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो उन डाइपोल्स का नेगेटिव इधर रहा होगा ये,
और पॉजिटिव सारे डाइपोल्स की इधर रहे होंगे, ये हो गया। अब होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज हैं या फिर जो डाइपोल्स का जो नेगेटिव फेस है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, यानी कि यहाँ पे एक और फोर्स एग्जर्ट होने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ड्यू टू मीडियम, मीडियम पोलराइज हुआ, पोलराइजेशन की वजह से इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा। इस फोर्स को हम कुछ भी नाम दे दें, चलो हम मान लेते हैं कि ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स आपका कुछ है एफ वन, इस फोर्स को हमने बोल दिया, क्योंकि मीडियम की वजह से लग रहा है, चार्ज वन पे लग रहा है, ठीक। इधर भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, इधर भी ये जो हमने मीडियम का सेक्शन ले रखा है, इसमें जो एटम्स होंगे वो डाइपोल में कन्वर्ट हो चुके होंगे, पोलराइज हो चुके होंगे, इसमें भी जो नेगेटिव फेस नेगेटिव होगा चार्ज, वो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, यहाँ भी क्या करेंगे, सारे के सारे जो नेगेटिव वाले हैं ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे इसी डायरेक्शन में, और वो फोर्स भी हमने क्या मान लिया, एफ वन, क्योंकि हम सिमेट्रिकली बात कर रहे हैं। अभी जो सेक्शन हमने वहाँ पर एज्यूम किया वैसे ही जिस सेक्शन हमने यहाँ भी एज्यूम किया उतने ही डिस्टेंस पर एज्यूम कर लिया, तो इधर एक फोर्स लगा एफ वन, इधर एक फोर्स लगा एफ टू, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो फाइनली कहीं इधर लगेगा इस डायरेक्शन में। तो जो एफ वन और एफ वन ये जो फोर्स दिख रहा है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसी लाइन के अलोंग इधर लगेगा, उसको हमने बोल दिया एफ एम। एफ एम कहने का मतलब कि फोर्स ड्यू टू मीडियम ऑन क्यू वन, मीडियम के पोलराइजेशन की वजह से क्यू वन पे इतना फोर्स लगा। और आपको तो पता है कि अगर किसी एक चार्ज पे हम कैलकुलेशन कर लें दोनों, इस चार्ज के लिए भी वैसा ही होगा, क्योंकि ये जो फोर्सेस होते हैं ये म्यूचुअल होते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा इधर भी हुआ होगा, इस पे भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा, उसको हम पूरा डिटेल में नहीं दिखा रहे हैं आपको, सिंपल बस आप समझ जाइए। हम मान लें कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा इस पे एफ टू, और इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा एफ टू, और इसका जो नेट होगा वो इस डायरेक्शन में रहा होगा ये, तो ये हो गया एफ एम, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में पहले फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट हो रहा था, और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू थी एफ, कब, जब ये दोनों चार्ज एयर में रखे हुए थे या फिर वैक्यूम में रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही हमने मीडियम में रखा, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम डाइपोल्स, एक अपोजिट डायरेक्शन में मीडियम की वजह से फोर्स एग्जर्ट होना शुरू हुआ, जो कि हमने यहाँ पे एफ एम दिखा रखा है। यानी अब अगर हम बात करें नेट फोर्स की क्यू वन पे या फिर क्यू टू पे, तो सिंपल हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन किसी पे भी बात करिए, क्यू वन पे बात कर लीजिए और क्यू टू पे बात कर लीजिए, दोनों के लिए कहानी कुछ ऐसी एक ही है। तो ये आपका हो जाएगा एफ, और ये हमने बोल लिया एफ नेट इज इक्वल्स टू, जो भी नेट फोर्स होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब ये एफ एम एग्जर्ट तो हो रहा है, लेकिन एफ एम इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि दोनों आपस में आके चिपक जाए, यहाँ भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ही डोमिनेट करेगा, जो एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है यही डोमिनेट करेगा, मतलब एफ में से एफ एम को घटाना पड़ेगा तब जाके हमें नेट फोर्स मिलेगा, जो कि इस केस में यहाँ पे लगने वाला है। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू हो गया एफ माइनस एफ एम, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स ऑन क्यू वन और क्यू टू, और एफ एम कौन सा फोर्स है, एफ एम को आप लिख सकते हैं, एफ एम आपका फोर्स है एफ एम, ये आपका फोर्स है फोर्स ड्यू टू मीडियम। अब मीडियम बोलिए या फिर मीडियम डाइपोल्स बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ कौन सा फोर्स है जो कि इंडिविजुअली क्यू वन क्यू टू पे लगा रहा है और क्यू टू क्यू वन पे लगा रहा है, और एफ की वैल्यू वहां से हम देख सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब होता क्या है कि जो एफ नेट होता है, एफ नेट को जब कैलकुलेट किया जाता है, एफ नेट कौन सा फोर्स है, एफ नेट वो वाला फोर्स है जब चार्ज मीडियम में रख दिए गए उसके बाद उन दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है। तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं यहां से कि जो एफ नेट है, एफ नेट इसको हम लिख सकते हैं 1/4π। अब एक चीज और, ये जो भी फोर्स है ये किस वजह से एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स में चेंजेस हुए किस वजह से, मीडियम के पोलराइजेशन की वजह से, यानी मीडियम ने कुछ ना कुछ असर दिखाया है, यानी कि 1/4π। अब जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना पड़ेगा, एक नया टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एक एप्सिलॉन आर भी टर्म्स आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है फोर्स डिक्रीज होगा। ये तो हमने देख लिया, पहले फोर्स एफ लग रहा था जब ये एयर में रखे हुए थे, लेकिन अब एफ माइनस समथिंग लग रहा है, यानी अब फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज होगा मीडियम में सबमर्स करने के बाद। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये हो गया क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई डिस्टेंस, अब भी वही है आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये कौन सा फोर्स है, वेन
चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, प्लेस्ड इन मीडियम, ठीक है। अब यहां से एक चीज और हम और कह सकते हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको एक साथ ले लें, और ये 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इसको हम अलग से ले लें, ये हो गया एफ नेट। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर को हम सिंपल f लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा f नेट इज इक्वल्स टू f, और ये नीचे एप्सिलॉन आर आपका बचा रह गया। यानी कि मीडियम में जब भी इस पूरे सिस्टम को हम रखेंगे उस केस में जो फोर्स होगा, अब एफ अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब जो टर्म्स यहाँ पे निकले हैं उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज एप्सिलॉन आर। तो जो एप्सिलॉन आर होता है इसको आप समझ लीजिए, जो एप्सिलॉन आर है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है। अब आप बोलेंगे ये रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी को समझने के पहले हम परमिटिविटी को समझें। पहले इसका एक्सप्रेशन हम लिख दे रहे हैं, एक्सप्रेशन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट आपको तो पता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, लेकिन जो एप्सिलॉन टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया ये आपका होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब मीडियम की परमिटिविटी कहने का क्या मतलब है, परमिटिविटी को आप ऐसे समझिए कि मीडियम कितना परमिट कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पोलराइज करने के लिए। आप ऐसे सोचिए कि अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उस केस में जो फोर्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आप खुद सोचिए, जैसे हमने दिखा रखा एग्जाम्पल के तौर पर कि मीडियम में सिर्फ 3 एटम पोलराइज हुए, 3 की जगह अगर 20 एटम पोलराइज होते तो इधर वाला फोर्स से बढ़ जाता, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है डाइपोल्स की वजह से, अगर 20 एटम पोलराइज होते तो, क्योंकि 20 मिल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते ना खींचते इसको, ऐसे इधर भी होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर भी बढ़ जाता। यानी कहने का मतलब कि FM जो फोर्स एग्जर्टेड बाई मीडियम है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता, ठीक है। उस केस में जो नेट फोर्स निकल के आता वो और भी कम निकल के आता। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम का ये मतलब होता है, परमिटिविटी इज सिंपली द मेजरमेंट ऑफ द फैक्ट दैट हाउ स्ट्रांगली अ मीडियम इज गेटिंग पोलराइज्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा पोलराइज होगा मीडियम हम बोलेंगे कि उतनी ज़्यादा उसकी परमिटिविटी है, जितना कम पोलराइजेशन होगा मीडियम के अंदर हम बोलेंगे उसकी परमिटिविटी उतनी ही कम है। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन क्या मतलब है, अगर चार्ज का इंडक्शन ज़्यादा हो रहा है मीडियम के अंदर तो हम बोलेंगे परमिटिविटी मीडियम की ज़्यादा है, अगर चार्ज का इंडक्शन कम हो रहा है तो हम बोलेंगे मीडियम की परमिटिविटी क्या है, कम है। तो परमिटिविटी का सिंपल सा मतलब ये होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है किसी मीडियम की परमिटिविटी को हम विद रेस्पेक्ट टू अगर एयर कैलकुलेट करें तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब देखिए ये एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से बड़ी होती है, इसको भी आप हमेशा याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जो यूनिट्स वगैरह है उसके बारे में तो आपको सब पता ही है, यूनिट्स में जैसे हमने ये जो एप्सिलॉन नॉट बार बार जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट के आपके यूनिट पता है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10^-12, और ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज़, ये SI में इसकी इतनी वैल्यू होती है, अगर हम CGS की बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4π, ये होता है CGS सिस्टम में, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। K की बात करें, जहाँ तक K का मतलब कि इस वाले हम K की बात कर रहे हैं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट की हम बात कर रहे हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो K होता है, K की वैल्यू होती है 9 × 10^9, और यूनिट उसकी वही हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर, और इसकी जो CGS यूनिट होती है, CGS वैल्यू जो इसकी होती है वो होती है 1। 1 क्या होता है इसका, CGS में इसकी वैल्यू होती है K की वैल्यू, ठीक है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। एक बात और, ये जो एप्सिलॉन आर निकल के आया है, एप्सिलॉन आर को एक और नाम दिया गया, इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका नाम आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, बस इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो दूसरा नाम है
यह है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एफ नेट इज इक्वल्स टू हमने कैलकुलेट किया एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, एफ नेट की जगह पे हमने रखा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू, इधर एफ है माइनस एफ एम। अगर एफ एम कैलकुलेट करना चाहें हम, विच इम्प्लाइज अगर हम यहाँ से एफ एम की वैल्यू लिखना चाहें तो एफ एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ माइनस एप्सिलॉन आर को इधर कर लें, एफ एम को इधर कर लें, तो ये हो जाएगा एफ माइनस एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एफ एम इज इक्वल्स टू हमें मिला, एफ हमने यहाँ से कॉमन कर लिया, तो ये हो गया वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एफ एम क्या चीज़ है, एफ एम वॉज द फोर्स एग्जर्टेड बाई मीडियम, ये मीडियम की वजह से लगने वाला फोर्स था हर एक चार्ज के ऊपर, ठीक है। एफ नेट क्या है, ये नेट फोर्स है दोनों के बीच का जब दोनों मीडियम के अंदर सबमर्स कर दिए गए, नेट फोर्स यानी हर एक चार्ज पे इतना नेट फोर्स लग रहा है एफ माइनस एफ एम के बराबर। एफ नेट का मतलब कि एफ अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर। एफ कौन सा फोर्स है, एफ इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर, एक चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो है एफ, और ये फोर्स कभी नहीं बदलने वाला, चाहे चार्ज को आप एयर में रखिए या फिर चार्ज को आप किसी मीडियम में सबमर्ज कर दीजिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको आप आगे देखेंगे, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब जो टर्म्स हैं वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ये हम आगे चल के के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से, जब हम लोग कैपेसिटर कैपेसिटेंस वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो जो नोट है वो जहाँ पे लिख लिया जाए, नोट में हम क्या लिखेंगे कि वेन चार्जेस आर सबमर्ज्ड इन अ मीडियम, द फोर्स एग्जर्टेड बाई वन चार्ज ऑन अदर डज नॉट चेंज, ठीक है। यानी कि जब भी चार्जेस को मीडियम में सबमर्स करते हैं तो जो फोर्स एक चार्ज, द फोर्स एग्जर्टेड बाई वन चार्ज ऑन अदर, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे ये जो एफ फोर्स है एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा है, यहाँ भी वही लग रहा है, यहाँ भी जो क्यू वन है ना क्यू टू पे एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, क्यू टू भी क्यू वन पे एफ अमाउंट ऑफ फोर्स ही लगा रहा है। लेकिन हुआ क्या, पोलराइजेशन की वजह से नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बट ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मीडियम डाइपोल्स नेट फोर्स बिटवीन चार्जेस डिक्रीजेस, ठीक है। जो नेट फोर्स होता है दोनों के बीच में लगने वाला वो डिक्रीज कर जाता है। और यहां से आप देख भी सकते हैं कि जो नेट फोर्स की वैल्यू निकल के आई है एफ माइनस एफ एम, यानी पहले एफ लग रहा था अब कुछ घटाना पड़ रहा है तब जाके वो निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आई हैं। कुछ वैल्यूज देखिए, इसकी वैल्यू आपको याद नहीं रखना कि हर एक मीडियम के लिए कितना होता है, कुछ कुछ बस आप याद रख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू वन, वन किसके लिए होता है, ये होता है एयर के लिए या फिर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, ये होता है मेटल के लिए, मेटल या फिर कंडक्टर के लिए होता है, और एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 80 होता है, और ये किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो आई होप कि जो फोर्स का जो मीडियम का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर, ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम इस पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे।
किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के एग्जांपल्स जो आपकी बुक्स वगैरह में एनसीईआरटी में दिए हैं, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और कोई भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन ज़रूर करें, हम कोशिश करेंगे उसको फिर से दूसरे तरीके से हम समझाने की। धन्यवाद।